नमस्कार साथियों, आज से करीबन 150 साल पहले मुंबई में बने राजबाई या तो राजाबाई टावर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मुंबई निवासी और मुंबई के आसपास रहने वाले लोगों ने तो टावर देखा भी होगा। मुंबई के अनेक टूरिज्म प्लेसेस यानी देखने लायक और घूमने लायक जगहों में से एक माना जाता है राजबाई टावर को। इसी टावर को बनाने के लिए यानी इस टावर का बांधकाम करने के लिए करीबन 7 साल का समय लगा था। और इनसे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस टावर को बनाने के पीछे मातृभक्ति का एक प्रसंग छिपा हुआ है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद रायचंद की। प्रेमचंद की मातृभक्ति के कारण ही आज ये टावर मुंबई में खड़ा है। तो आइए इस घटना को हम गहराई से समझते हैं। नाइनटीन्थ सेंचुरी यानी 19वीं सदी में मुंबई के बाजार गेट एरिया में प्रेमचंद रायचंद नाम का एक गुजराती धनिक व्यापारी रहता था। प्रेमचंद का परिवार जैन धर्म का अनुयायी था और उनमें भी प्रेमचंद की माता यानी राजबाई वो हर दिन रेगुलर सामयिक करते। सामयिक यानी जैन धर्म में 48 मिनट की एक ध्यान की धार्मिक क्रिया होती है जिसे सामयिक कहा जाता है। और इस क्रिया में समय का बहुत ही महत्व रहता है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो 48 मिनट की है और 48 मिनट कब पूरे हो गए वो हमें सिर्फ घड़ी से ही पता लग सकता है। यानी घड़ी में अलार्म सेट करके हम ये पता लगा सकते हैं। पर वो ज़माने में कुछ गिने चुने लोगों के घरों में ही घड़ी हुआ करती थी। जिसके पास घड़ी थी वो अच्छी तरह से सामयिक कर पाते थे, पर जिसके पास घड़ी नहीं थी वो सामयिक नहीं कर पाते थे। हालांकि राजबाई के घर में तो घड़ी थी, पर राजबाई को लगा कि हमारे एरिया के सभी लोग सामयिक कर पाए और इसीलिए राजबाई ने अपने बेटे यानी प्रेमचंद से कहा कि तू घड़ी के साथ एक ऐसे टावर का निर्माण करा कि जिससे हमारे एरिया के सभी लोग उस घड़ी को देख सके और सामयिक कर पाए। और माँ की आज्ञा को प्रेमचंद ने सराखों पर ले लिया। मातृभक्त प्रेमचंद ने 1869 यानी 1869 में 280 फीट ऊंचे टावर का बांधकाम शुरू करवाया और करीबन 1876 यानी 1876 में करीबन 2 लाख रुपये का खर्चा करके ये टावर खड़ा करवाया। और उस ज़माने के 2 लाख रुपये यानी आज के टाइम के करीबन 50 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अब आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम है। जब ये टावर बनके कंप्लीट हो गया उसके बाद जो लोग घड़ी के अभाव से सामयिक नहीं कर पाते थे वो अब अच्छी तरह से सामयिक करने लगे। आगे जाके राजबाई के नाम से इस टावर का नाम राजबाई टावर या तो फिर राजबाई क्लॉक टावर रखा गया। कुछ लोग इसे राजाबाई टावर के नाम से भी जानते हैं। मुंबई के अंदर आज भी ये टावर मौजूद है। साथियों, इसे कहते हैं मातृभक्ति। इस घटना के पीछे प्रेमचंद की मातृभक्ति तो है ही, साथ में राजबाई की जनसेवा भी है। राजबाई की लोगों के प्रति संवेदना के कारण ही आज ये टावर बन पाया। जिस तरह ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है उसी तरह इस टावर को हम मातृभक्ति और जनसेवा का प्रतीक मान सकते हैं और यही एक रियल इंडियन कल्चर है। साथियों, आप सबसे भी एक निवेदन है कि हमारी कल्चर यानी हमारी संस्कृति को हम बचा के रखें, उसका जतन करें और उसको टिका के रखें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।